जो आवे गो उनसे पल्ली और आवे गो ना पल्ली और मतलब बहुनो चिच्चा आवे गो समझा दो समझ ना रही क्या कह रहे बताओ इनको चिच्चा आवे गो जे बच्चा है तो बहुत चिच्चा हो इनको अब जाको हम कैसे कह सकत राहुल गांधी बन सकत जो सुविधा काश्तकार को दे वे बने अच्छा बीजेपी ने कुछ काम किए का काम करें काश्तकार को तो मारिए डारो बदलाव लाएंगे किसे चुनेंगे किसे अब इनके अब अगर विपक्ष में देखा जाए तो राहुल गांधी ही आते हैं बाकी तो किसी में इतने पावरफुल नेता तो है नहीं। नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी तक मैं हूं सौरभ पांडे। 2024 के अब चंद दिन ही बचे हैं और 2024 में होना है लोकसभा चुनाव जिसके चलते यूपी तक की टीम गांव-गांव शहर शहर पहुँच रही है और जनता का मूड जान रही है जिसके चलते आज हम पीलीभीत लोकसभा सीट पर आए हुए हैं। हम इस समय बहादुरपुर गांव में हैं। ये गांव कुर्मियों का गांव है। कुर्मी समाज के बीच हम इसलिए हैं क्योंकि यहां पर गांधी परिवार के अलावा अगर कोई सांसद बना है तो वो कुर्मी समाज से आया है। अगर बात करें यहां पर कुर्मी सांसदों की तो कुंवर मोहन स्वरूप गंगवार कई साल सांसद रहे, उसके बाद भानु प्रताप सिंह, उसके बाद बाबू हरीश गंगवार और परशुराम गंगवार। अगर गांधी मतलब मेनका गांधी और बड़ा गांधी के अलावा कोई भी अगर सांसद रहा है तो वो कुर्मी बिरादरी से आया है, तो इसलिए अहम हो जाता है कि कुर्मी बिरादरी का क्या मूड है 2024 में, क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी और बड़ा गांधी के 40 साल से लगातार सिलसिला चला रहा है जीतने का, कोई तिलस्म नहीं तोड़ पाया। उससे पहले कुर्मी समाज के लोग थे और इस 2024 में सबसे ज़्यादा टिकट मांगने वाला अगर पीलीभीत सीट पर कोई है तो वो कुर्मी बिरादरी है। अब हम देखते हैं इन गांव के लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शांति स्वरूप। 2024 में क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है? अरे मतलब बीजेपी के ही मतलब काम तो ठीक है लेकिन ये जो गाय छुड़वाई है इनके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, मतलब और ना ही हमारी जो बजाज चीनी मिल का इसका गन्ने का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है खेतों में। एक तो मतलब जो है बाजार जो गाय हैं ये सब खेती को सब बर्बाद कर देती हैं, तो इससे ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। और बाकी हमारी जो चीनी मिल है, बाकी हम अन्य जो चीनी मिलें दे रही पेमेंट, लेकिन ये क्यों नहीं दे रही है, इसलिए हमारे क्षेत्र में इस वजह को लेकर के किसान काफ़ी परेशान है, रुष्ट भी है इस चीज़ से। तो जो सरकार है बीजेपी की वो इस समस्या को नहीं निपटा पा रही है ना, बाजार खुलेआम घूम रहे हैं, खेतों को चब रहे हैं, और ये हमारी जो चीनी मिल है वो भी हमारा गन्ने का भुगतान कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो फिर 2024 में किसे चुनेंगे आप? अब ये तो देखेंगे किसे चुनेंगे, सरकार क्या कर रही है। तो राहुल गांधी का पीएम बन सकते हैं कभी? अभी इसका तो जनमत क्या होगा, हमारे अनुमान से तो नहीं बनेंगे। अच्छा आप उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री योगी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? योगी के काम तो ठीक है लेकिन जो हम जो हमारी समस्या यही है, हमारी क्षेत्रीय समस्या यही है कि चीनी मिल का हमारा भुगतान नहीं मिल रहा है और बाकी जो हमारी जो गाय है ये हमारे खेतों को नुकसान कर रही है। अच्छा मोदी के मुकाबले कोई नेता दिखता है आपको देश में? अब इसका तो मतलब बड़े लोग जाने, हमें क्या है इसके, हमें तो हमारी समस्याएं क्षेत्रीय समस्याएं हैं। बाबा क्या नाम आपका? रामचंद्र। रामचंद्र। रामचंद्र कितनी उम्र है? 60 साल हुई है। 60 साल हो गई, बड़े फिट हो आप? हम तो ना बोल पाओ, हम जुखाम है, बुखार है, बुखार और जुखाम हो चल रहा है, तो ना बोल पाओ। अच्छा जो बताओ 2024 सरकार किसकी आ रही है एक तो बता दो। सरकार जय सरकार चल रही है मोदी बाबा की वाली। क्यों कैसे क्यों आ जाएगी एक तो हम ना बताए, अब हमारी मुल्क दर्द हो आगे। क्या नाम है आपका? नथुलाल। नथुलाल। नथुलाल आप भी खेती किसानी करते हैं? हाँ। 2024 में किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार तो भाई समय आन पता लगे, लेकिन चीनी मिल के भुगतान के लिए हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में जाके मुकदमा करो, उसके बावजूद भी भुगतान ना मिलो। सरकार को जा खूब पता है कि उनके कर्मचारियों की तनख्वाह मिल रही है, बाकी सब काम चल रहे हैं, तो किसान को ही पैसा क्यों ना मिल, आखिर बात कहाँ है। तो आपकी किसान 2024 में क्या करेगा? किसान फिर बाई हिसाब सोचिए समझ करे, जब उसे भुगतानों ना मिलेगो, जानवरों का इंतजाम ना हो, तो फिर हटाने की कोशिश करें, क्यों चाहेंगे जा बनाए। तो राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे? अब जय तो सरकार जाने, तमाम पब्लिक की बात है, पूरे देश की बात है, इसको हम क्या कह सकते हैं। अच्छा
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उनके बारे में क्या कहना, कैसे हैं वो, क्या कामकाज किया उन्होंने आपके क्षेत्र में? वो तो सब एक ही बात क्या, उन्हें नहीं पता जो कुछ हो रहा है, उन्हें सब मालूम है कि गायें भी छूटी हुई हैं और भुगतान के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम। काश्तकार यहाँ जब हाई कोर्ट तक गए, उनके पास भी जा रहे हैं, लखनऊ भी गए, लेकिन अभी तक भुगतान कोई निस्तारण नहीं हुआ। क्या नाम बाबा आपका? मदन लाल। क्या करते हैं आप? बस भजन करते हैं खाली। भजन? अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है, किसकी सरकार बन सकती है? ये अभी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, लेकिन वैसे तो सरकार बीजेपी अच्छी है, लेकिन ये ही कुछ परेशानियां हैं। अच्छी कैसे अच्छी है? अच्छी ये है, मतलब एक स्वतंत्र है, भ्रष्टाचार कम है, हाँ, आतंकवाद कम है, लेकिन ये गाँव की और हमारे यहाँ जो मेन काम है फैक्ट्री वाला है, इससे सारे काश्तकार परेशान है पेमेंट ना मिलने से। तो फिर 2024 में क्या होगा? आप सब लोग एक ही समस्या बता रहे हैं, परेशान है, 2024 में क्या होगा वो आगे देखा जाएगा, क्या होगा, रुझान जैसा होगा। अच्छा, आप काफ़ी पुराने, मतलब उम्र भी आपकी अच्छी खासी है, तो आपको मोदी के अलावा कौन नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? वैसे तो कोई नेता नहीं है इस समय, मोदी अच्छा है, लेकिन राहुल भी हमारे यहाँ, मतलब यूपी में तो कांग्रेस का बोलबाला है ही नहीं। अच्छा, आप सभी लोग कुर्मी बिरादरी जाते हैं, तो कुर्मी बिरादरी में कौन नेता पूरे देश में? अब ये तो नहीं हम कह सकते, प्रदेश में जानकारी नहीं है इस बारे में। और क्या नाम आपका? दिसंबर दयाल। योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या कहना योगी के बारे में? योगी के बारे में कहाँ एकदम, गन्ना के बारे में, पेमेंट के बारे में गए तो उन्होंने की इसके बारे में क्या बताया सका, तो उनके बारे में हम लोग काश्तकार का कह सका था, सुनिए ना कोई बात उनने। तो 2024 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे कि मोदी पीएम बनेंगे? अब जाकर हम कैसे कह सकत, राहुल गांधी बन सकत, जो सुविधा काश्तकार को दे वह बने। अच्छा, बीजेपी ने कुछ काम किए? का काम करें, काश्तकार को तो मारिए डारो, काश्तकार उबरने बारो ना है। सरकार बदल गई तो बदल, बाकी आगे चले तैसे आगे, बाकी संग बर्ताव करो जाए। क्या नाम है आपका? का बतावे तुम्हें हम बताओ, जो पूछ रहे का पेमेंट दे बाबू चले गए भैया, चलो का पेमेंट, का है पेमेंट गन्ना को सरकार ना दिला रही, कहाँ दे बाई रही है? वोट आप लोग दे रहे हो तो जिम्मेदारी तो है पेमेंट कराने की। हमारी भेड़ जहाँ जाए तहाँ कटेगी है, किसान तो पैदा बहुत कटने ताई है, कटे वो। तो 2024 में क्या करेंगे आप लोग? तो टाइम बतावे का हो वो, जो कौन पीएम बनेगा, अब क्या कर बदलाव हो सकत नहीं हो सकत मामा है। अरे योगी मुख्यमंत्री हैं, कैसा कार्यकाल है उनका? कार्यकाल जो आवेगा उनसे पल्ली और आवेगो, मतलब पल्ली और मतलब बहनों को चुच्चा आवेगो, समझा दो, समझ नहीं क्या कह रहे हैं बताओ। इनको चुच्चा आवेगो, ये बच्चा है तो बहुत चुच्चा हो उनको, इनके कहने का मतलब है इससे बढ़ के आएगा जो आएगा वो ज़्यादा भ्रष्ट आएगा। भ्रष्ट मतलब? जैसे ये काम कर रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा किया, काफ़ी अच्छा काम किया है, उसके बावजूद ये जो अपने योगी जी हैं, इन्होंने कहा 2022 में किसान की आय जो है वो दोगुनी कर देंगे, किस तरह से इन्होंने दोगुनी कर दी है, किसान को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, कहीं तो जितनी खादें हैं उन पर सब्सिडी हटाने के ज़्यादातर वो कर दिया हमारी। नाम क्या आपका? संतोष कुमार। आप बताओ। संतोष कुमार। आप बताओ जो कह रहे थे। जो सरकार है इसने, योगी जी ने हमारे कहा था, मोदी जी ने, कि 2022 तक हम किसान की आय जो है दोगुनी कर देंगे, अभी तक तो दोगुनी की नहीं, और ज़्यादातर जितनी पेस्टिसाइड से ले लो या खादे ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ पर इन्होंने इतनी बढ़ा दी है, डीजल वो भी महंगा कर दिया है कि किसान के, और जो गन्ने वगैरह है किसी का मूल तो बढ़ाया नहीं है, लेकिन खर्चा जो है वो हमारा दूना हो गया, तो हमारी आमदनी दूनी कहाँ से हो गई। फिर 2024 में क्या करेंगे आप लोग? बदलाव लाएंगे। किसे चुनेंगे? किसे, अब इनके, अब अगर विपक्ष में देखा जाए तो राहुल गांधी ही आते हैं, बाकी तो किसी में इतने पावरफुल नेता तो है नहीं। तो 2024 में पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? बने या ना बने, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि हम बदलाव करेंगे अपने स्तर। अच्छा, बीजेपी ने कुछ काम किए हैं? काम किए हैं, लेकिन हम जो स्थिति पे हैं, हम तो किसान हैं, अपना देखेंगे।
भ्रष्टाचार खत्म, किसानों के लिए काम नहीं किया, किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती किसानी जी। चुनाव आने वाला 2024 में, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कौन पीएम बन सकता है, कौन जीत के सरकार आ रही है? सरकार तो मोदी जी की आ रही है, लेकिन उनके सामने जो हैं मजबूत खड़े हुए हैं वो अपने यही हैं, राहुल गांधी जी हैं, यही हैं उनके सामने। तो दोनों पीएम कौन बनेगा? पीएम तो चांस मोदी जी के ज़्यादा हैं, लेकिन कैसे, क्यों? राहुल गांधी भी उन्हें टक्कर दे, चांस ज़्यादा है। क्यों चांस ज़्यादा है? चांस क्या, उनके मुकाबले का अभी तक कोई अच्छा नेता ही नहीं खड़ा हो पाया है जो उन्हें हरा पाए। योगी के बारे में क्या कहना है आपका, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के? योगी जी तो सही हैं, काम उनके सही हैं। सही है। क्या नाम आपका? अमित कुमार। क्या करते हैं आप? खेती। बीजेपी ने कुछ काम किया आपके क्षेत्र के आसपास कहीं? ना, कोई काम नहीं करा। ना। तो 2024 में किसे चुनेंगे आप? 2024 में देखा जाएगा। कुछ तो आप सोचता है हमारा जो काम कराएगा उसे चुनेंगे, इन्हें काम नहीं करा। जो बीजेपी का यहाँ लड़ेगा उसे वोट नहीं देंगे बस। यहाँ के सांसद है वरुण गांधी, कोई उन्हें तक कुछ करो ही ना बहादुरपुर में, क्षेत्र में ना करो, कहूँ जिला में कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। और रही बची का सर, गायों ने इन्होंने पूरी कर दी है, तो ये समस्या कौन निपटाएगा? सरकार निपटाएगी, और कौन निपटाएगी इसे? सरकार कौन सी सरकार निपटाएगी, जीत पूछ रहे हैं? जो चेंज होगी वो निपटाएगी, नहीं जो नहीं निपटाएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा उसका। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मपाल। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो आज 2024 चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको कौन पीएम बन सकता है, सरकार किसकी आ सकती है? अब पीएम तो अंजाद यही है कि भाई मोदी जी को, मतलब बहुमत ज़्यादा चल रहा है इसमें, मगर टक्कर जो है राहुल गांधी दे रहे हैं, कि राहुल गांधी मतलब उभर के आ रहे हैं, और थोड़ा किसानों के लिए और गरीबों के लिए मतलब अच्छा काम नहीं कर रही है सरकार। काश्तकार के लिए सबसे ज़्यादा काम बेकार है, मतलब वो बहुत परेशान है, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, गाय वगैरह छुटी हुई है खेतों में, मतलब गाय खा रही हैं, रात भर वो रखाता है, इससे बहुत समस्या है। खाद पानी और महंगा है, हमारे लोग जो जानवर खा जाते हैं। और तो आपकी समस्या कौन दूर कर सकता है? तो समस्या यही है, हम अपनी सरकार को ये सोच रहे हैं हम बदलाव करेंगे, तो हमारी हो सकती है अगली सरकार सुन ले, ये ना सुन रहे हैं। मतलब सरकार कमियां हैं वो दूसरी, जो इस सरकार में कमियां हैं वो दूसरी सरकार हो सकता है पूरी कर दे, या फिर इनके मतलब ये हमारी बात सुने तो हो सकता है ये भी कर सकते हैं, तो ये हमारे मतलब आगे हमें पता चल जाएगा, तो हम हो सकता है इन्हें भी चुनाव अपने मतलब दे दे वोट करें। तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा जो मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए अच्छा उन काम कर रहे हैं, मगर जो सरकार के जो काश्तकारों के लिए थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और तो सब कुछ सही है, मगर जो मतलब गुंडागिरदी है उसमें कम है थोड़ा। यहाँ के सांसद वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी ने तो कोई काम नहीं किया, वरुण गांधी ने तो अभी तक जिला में भी कहीं काम नहीं, वो आते भी नहीं ज़्यादा, मगर बस आते तो हैं यार। अरे वो जिला में आते हैं मगर अब कभी मतलब यार हर 10वें दिन आते हैं कम से कम दो दर्जन से गांव हमारे क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में ही कहीं नहीं आए, ब्लॉक में नहीं आ रहे, बरखेड़ा ब्लॉक में कई महीनों से नहीं आए, सालों से नहीं आए, जब ब्लॉक में, हाँ बरखेड़ा ब्लॉक में नहीं आ रहे हैं, इधर कहीं दिखते भी नहीं है आते हुए, कभी पीलीभीत में ही आते हैं, उधर ही चले जाते हैं, तो ये बिसंडा की साइड में जाते हैं ज़्यादातर, मतलब या फिर पीलीभीत में रहते हैं बस, पूरनपुर साइड में, पूरनपुर जाते हैं, बसंडा जाते हैं, बहेड़ी जाते हैं, बरखेड़ा में भी आते हैं, गांव में जाते हैं, ऐसे ही कभी कभार आ जाते हैं, निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पोटा तो बरखेड़ा, आपके बरखेड़ा में लगता है? हाँ बरखेड़ा में, तो गए थे एक दो बार, कभी आ गए तो आ गए, वरना कभी हमारे इधर तो कभी आए नहीं आज तक बरखेड़ा साहिब, ये हमारा बहादुरपुर रुकमी गाँव है, आज तक तो कभी कोई सभा या कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है आज तक। तो मतलब हम वरुण गांधी मतलब अपने इनसे खुश नहीं है बाकायदा। तो कौन पीएम बन सकता है? अब पीएम के तो दावेदार दोनों हैं, मतलब अब देखो भाई अब आगे समय क्या हो रहा है। अच्छा, आप लोग सब लोग कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो आपका देश में नेता कौन है? तो हमारा भी तो कोई नेता भाई से तो है ही नहीं, वो ये मतलब वो तो मोदी भाई मोदी को वोट दे रहे हैं, मतलब योगी मोदी यही वोट देते हैं, यही है नेता भी, और तो ऐसा ही। आप लोग सरकार भी पसंद नहीं है, नेता आपके मोदी योगी हैं, तो योगी का वो तो लहर चली थी इसलिए दे दी, अब तो ऐसा नहीं होगा, अब जो हो गया तो वो बार-बार तो नहीं होगा ऐसा। तो प्रदेश में नेता कौन है कुर्मी बिरादरी का? तो अब तो कौन है यार, अनुप्रिया पटेल है वो, और तो कोई अभी ऐसा है ही नहीं नेता अभी, अब आगे जो आएगा उभर के उसे हम फिर सपोर्ट करेंगे हम लोग।
जे थे बहादुरपुर के लोग, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, इन्होंने अपनी बात कही। बीजेपी से खुश नहीं है क्योंकि इनका जो पेमेंट है गन्ना भुगतान वो नहीं हुआ है। यहाँ पर एक चीनी मिल है, उसके पीछे इनका गाँव है और यहाँ पर जो फसल है वो भी सब गन्ने की ज़्यादातर होती है, तो उससे दिक्कत में है, जानवरों से दिक्कत है, तमाम दिक्कतें हैं। और इनका कहना है कि 2024 में हम बदलाव जरूर करेंगे। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।